तो भाई लोगों, ये देखो किले की सड़क जो कि पूरे 15 किलोमीटर के लंबे पहाड़ के ऊपर बनी हुई है। पूरी जगह पे इसी तरीके की सड़क है और इतने ज़्यादा मुड़ाव है ना भाई साहब, परेशान हो गए। और यहाँ पर महल के बारे में कुछ जानकारियाँ दे रखी है, अगर आप आओ तो इस चीज़ों को देख लेना। और अब हम आ चुके हैं महल के अंदर, हमारी एंट्री हो चुकी है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको कुछ देखने लायक चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, वो देखो, शेर। शेर आया, शेर गाइस, यहाँ पर है एक शेर, लोयन। लेकिन हालांकि ये लोयन जो है असली नहीं है, इसको इस तरीके से मॉडिफिकेशन किया है। और जो चलो किले के अंदर की तरफ चलते हैं अब। तो भाई साहब, ये है हमारा किला, अब देखो कितना खतरनाक। भाई साहब, अब मैं आपको लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ जो कि काफ़ी रहस्यमंद। ये देखो, ये है लोहे से बनी, प्योर लोहे से बनी हुई मोटी मोटी, मतलब काफ़ी मोटे मोटे लोहे से बनाई हुई तोप। जी हाँ गाइस, मैंने जब इसके अंदर हाथ डाला ना, इतने ज़्यादा मोटी है। दो तोप यहाँ पे रख रखी, और साइड में और भी तोप है। और ये हम आ चुके हैं महल के अंदर, चारों तरफ पता नहीं कौन सा रास्ता किधर जाता है, कुछ पता नहीं चलता, पूरी भूल भुलैया की तरह है। ये है गाइस जयपुर के अंदर नाहरगढ़ का किला, आप गूगल पे सर्च मार लेना। और अंदर की तरफ अब देखो आप किस तरीके का है, इसके आधे गेट जो है ना वो लॉक है हो रखे हैं, इसी वजह से उनके अंदर नहीं जा सकते, पता नहीं क्यों। तो महल देखो आप, तो ये है महल की दीवारें आप देखो। और महल के ऊपर चलते हैं, यहाँ से हमें एक रास्ता मिला है, शायद ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। अब पता नहीं कौन से फ्लोर पे जाएगा। ये मंजिल जो है 2 फ्लोर की है, और इसके, ओ माय गॉड, यहाँ पर एक रहस्यमंद गुफा। भाई साहब, इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना सिक्योरिटी भी घूमती रहती है और वो चेक करती रहती है कि कोई लोग कुछ हरकतें ना करते रहे यहाँ पे। लेकिन हमें ऊपर जाना है, वो देखो वहाँ पर ऊपर जाने का रास्ता है मुझे लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर भी जो है ना, यहाँ पर मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि ऊपर भी कुछ लोग है। भाई पंकज, ऊपर जाने का रास्ता ढूंढ, ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? अरे यार, किधर से जाए, पूरी रास्ते एक ही जैसे हैं, देखो इसी तरीके के हैं यार, पूरी गुफाएं हैं, गुफाएं बना रखी। अरे तू क्या देख रहा है मुझे? ओहो, मैं वापस इधर ही आ गया। अंकल अंकल, भाई साहब क्या करूं, पंकज रास्ता ढूंढ यार, ऊपर जाना है मुझे, टेरेस देखना है यहाँ का, टेरेस से किस तरीके का व्यू दिखे। ओहो मोहतरमा, सॉरी, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है? शायद इधर। लेकिन हम तो पूरे मेल में गोल गोल घूम रहे यार, ऊपर कहाँ से जाऊँ? देखो फैमिलीज वगैरह है काफ़ी सारी, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता जो है हमें नहीं मिल रहा। एक्सक्यूज मी भैया, ओहो ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से? ओ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, पंकज इधर आ इधर आ, ये रहा गेट। अरे बंद क्यों कर रहे हो, खोल खोल गेट, खोल, हमें ऊपर जाना है भाई साहब। ओहो पहले इनको निकलने दे यार, रुक जा 1 मिनट। ओहो अब आ चुके हम जाने वाले पूरे टेरेस के ऊपर, ये रहा नाहरगढ़ के किले का टेरेस। वाओ महल, गाइस ऊपर से महल को देखो आप, किस तरीके के छोटे छोटे इस तरीके की टपरियां बना रखी है, और काफी गाइस देखने लायक नजारा है। तो गाइस पहुंच चुके नाहरगढ़ के किले के ऊपर, छत पे, टेरेस पे, अब देख सकते हैं पूछे पूरा नाहरगढ़ का ऊपर का हिस्सा है किले का। भाई ये हमारे साथ आए हैं, हमारे भाई
और ऊपर से आपको हम अपना शहर दिखाते हैं, पूरा जयपुर शहर पीछे देख सकते हैं, पूरा जयपुर शहर किस तरह का दिख रहा है। आजा हमें मिल गया रास्ता नीचे जाने का, तो चलो नीचे जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं और बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। अभी तक बाहर पंखज बाहर जाने का रास्ता किधर से है। ओह गाइस काफ़ी सारी पब्लिक जो है यहाँ पर अभी आ रही है, आप देख सकते हो। और ये रास्ते भी अभी हम जिन गलियों में घूम के गए ना वो उस साइड की है, और ये जो है पूरे महल के पूरे इर्द गिर्द पूरे में इसी तरीके की है। यार मैं यहाँ पे परेशान हो चुका हूँ इन गलियों में घूम घूम के, हालांकि मैं यहाँ पे फर्स्ट बार आया हूँ, क्योंकि यार मैं इन गलियों में जब एक ही गली में चार बार घूम जाते हैं ना तो दिमाग फिर जाता है। जी हाँ पंकज रास्ता ढूंढ यार किधर से नीचे जाने का। ये देखो अपन इधर जो है आके जा चुके हैं, पहले भी आके यहाँ पर हम जा चुके हैं। पंकज ये देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये गार्ड जो है ना सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे घूमते रहते हैं और चेकिंग करते रहते हैं सब चीज़ों की। ओहो यहाँ से आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, वापस मुड़ना पड़ेगा। देखो चारों तरफ रास्ते बंद है। हाँ भैया उधर रास्ता है, पंकज देखिए उधर रास्ते का, इस तरफ देख है क्या। अरे भाई कुछ नहीं है इधर तो यार, वापस उधर से, हाँ हाँ उधर जा रहे हैं, उधर वापस उधर से ही जाना पड़ेगा, शायद उधर से ही हमें रास्ता मिले बाहर जाने का। देखो भाई साहब, हेलो मैडम एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, तो हमें जाने दो यार, हमें रास्ता नहीं मिल रहा एक तो यहाँ पे घूम घूम के। ओ माय गॉड। तो गाइस फाइनली यार इतनी देर के बाद में हमें जो है रास्ता मिल चुका है और हम आ चुके हैं नीचे। ये देखिए महल के बीचों बीच जो कि यहाँ पे कुछ स्टेज, पता नहीं क्या बोलते हैं इनकी भाषा में इस चीज़ को, लेकिन अपने जो है ये ग्राउंड है यहाँ पर, चारों तरफ महल है और बीच के अंदर जो है ये इस तरीके का बनाया गया है। करेंगे आगे बात। सो गाइस ये रहा पूरा, तो गाइज यार फाइनली हम महल से बाहर तो आ चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि मुझे लोगों ने बताया है, यहाँ पर है राजा महाराजों का कुआं। जी हाँ ये देखिए जिसमें से वो पानी पीते हैं, और आज भी इसके अंदर पानी निकल रहा है। ये देखिए आप नीचे पानी की धार चल रही है, पहाड़ के अंदर से निकल रहा है पानी, क्योंकि अपन है पहाड़ के ऊपर और ये जो है पहाड़ के अंदर ही खड्डा खोद के इस तरीके के कुएँ बनाए हुए हैं। और एक कुआं उधर है शायद, देखते हैं उधर भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। जी हाँ ये देखिए यह भी है एक कुआं काफ़ी बड़ा, और इसके अंदर है सीढ़ियाँ बना रखी है, आप देखिए किस तरीके की सीढ़ियाँ बना रखी है, और इसमें पानी तो कितना सारा है भाई, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता गाइस ये। और वो देखो वहाँ से सीढ़ियों से उतर के नीचे जा के वो पानी भरते हैं, और यहाँ से एक रास्ता बना रखा है जो कि सीधा जाता है पानी के पास। ये देखिए वाओ है ना, काफी अमेजिंग गजब यार, काफी अच्छा है। और महल रह गया उधर। गाइस यार हमें पता चला एक काफी शानदार जगह जहां पर है एक बड़ा सारा कुआं, जिससे कि इस पहाड़ का सारा पानी जो है ना वहां पर आके इकट्ठा होता है। मैं आप लोगों को वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर सारी पहाड़ का पानी उसी जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है, और ये भी कहीं दूर नहीं वहीं पर है नाहरगढ़ के किले के ऊपर ही, पहाड़ के ऊपर ही, मतलब जहाँ पर इस महल की पूरी बाउंड्री हो रखी है ना उसके अंदर ही है ये सारी चीज़ें। अब देखिए आपको दिख रहा होगा ये कुआँ कितना बड़ा है, कितना विशालदायक है,
और इसके अंदर जितना पानी चाहे ना बारिश का उतना इसके अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे तो इसके अंदर भी जो वाले कुएँ हैं ना उसी तरीके से इसमें पानी आ जाता है, लेकिन बारिश का पानी भी इसमें काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है। अब देखो चारों तरफ दीवारें हैं और बीच में एक ये खाई जैसा इतना भयानक कुआं, और इधर है पूरा जयपुर शहर। देखो अब पहाड़ पर देखो आप, पूरा 15 किलोमीटर चल के इतना दूर आना पड़ता है इस पहाड़ के ऊपर। हो भाई साहब, है ना काफ़ी अमेजिंग, गजब यार। तो गाइस फाइनली आप देख लीजिए कि वो किला जो है वहाँ पर रह चुका है और हम आ चुके हैं किले से काफ़ी दूर। और इसकी जो ये दीवार है ना, ये तो 15 किलोमीटर तक इसी पहाड़ के ऊपर फैली हुई है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और महल रह चुका है उधर और हमारी गाड़ी खड़ी है उधर। अब हम जाएंगे सीधा गाड़ी के पास, इधर से ही जंगल के अंदर से निकल के, क्योंकि इतना दूर वापस नहीं चला जाएगा यार। तो चलो गाड़ी के पास चलते हैं अपन और देखते हैं क्या है आगे। तो गाइस देखा आपने, हमने पूरा आपको नाहरगढ़ का किला दिखा दिया है और सारा किला पूरा घूम लिया है, काफी ज्यादा थक भी गए हैं यार। तो चलिए अब चलते हैं और रास्ते में जो चीज आएगी हम आपको दिखाते जाएंगे कि रास्ते में और क्या क्या चीजें आने वाली है। तो चलिए यहाँ से अब निकलते हैं, काफी थक गए। और पूरा किला तो हमने आपको दिखा दिया कि नाहरगढ़ का किला अंदर से कैसा है और बाहर से भी हमने इसको आपको पूरा लुक हमने आपको दिखा दिया। चलिए यहाँ से निकलते हैं और रास्ते में जो चीजें आएगी वो हम आपको पूरे आपको बताते जाएंगे कि क्या रास्ते में आने वाला है। चलिए निकलते हैं।